हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। किसान कहीं कर्ज के चलते तो कहीं अधिकारियों द्वारा कार्यवाही नहीं करने के चलते आत्महत्या पर उतारू हो रहे हैं। खरगोन में आज जनसुनवाई के दौरान अफसरों के सामने किसान ने खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया। वही अपर कलेक्टर का कहना है कि जांच चल रही है और पानी खत्म होने पर सीमांकन करने की बात कही है। किसान की सुनवाई नहीं होने से आहत था, जबकि किसान 3 से 4 मरतबा शिकायत लेकर पहुंचा था। जिला मुख्यालय पर कलेक्टोरेट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक किसान ने अफसरों के सामने खुद पर केरोसिन उड़ेल लिया। किसान इस बात से आहत था कि उसकी फरियाद नहीं सुनी जा रही है। आवेदक रामेश्वर कुशवाहा निवासी ठिपगांव ने बताया कि उनके गांव में निस्तार तालाब बना है, जिसका पानी खेतों में घुसने से हर साल खरीफ की फसल चौपट हो जाती है। यह तालाब गलत स्थान पर बनाया गया है। इसकी शिकायत लेकर वह 3 से 4 बार जन सुनवाई में पहुंचकर आवेदन दे चुका है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। इससे दुखी होकर किसान ने खुद पर घासलेट डाल लिया। इसी दौरान कलेक्टोरेट में मौजूद पुलिस कर्मियों ने दौड़कर किसान को रोका, अन्यथा वह खुद को आग लगा सकता था। समझाइश के लिए पुलिस किसान को थाने लेकर पहुंची। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। लोगों ने आवेदन दिया है कि कोई तालाब है, उसमें पानी भरा है। मैं कलेक्टर साहब को पिछली बार आवेदन दिया था, तो SDM साहब ने निरीक्षण किया है, स्थल निरीक्षण कह रहे हैं कि उसमें पानी भरा है। वो सीमांकन उसका करने के बाद ही पता चलेगा किसकी ज़मीन में क्या है। तो वो पानी खाली होगा, सीमांकन होगा तो उसका गिना। सर 6 महीने से लगातार परेशान हो रहे हैं और हर साल ये समस्या है, कोई विभाग नहीं सुन रहा था। SDM साहब गए थे, कलेक्टर साहब ये कहना है कि पानी खाली हुआ तब सीमांकन होगा। ये गलती किसकी है सर? वो जो बनाया है उसको किस विभाग का है सर? वो SDM साहब गए थे उनसे चेक सर। केरोसिन डाल लिया आपने, क्या क्या कारण है आप यहाँ पर? सर कम से कम 3 महीने से लगातार आवेदन दे रहे हैं, हमारे खेत में पानी आती है, 5 फीट भरा हुआ है और सर निरस्तर तालाब का पानी हमारे खेतों में भरा हुआ है और उसके बाद वो न तो सिंचाई के काम में आता है, न ही कोई उपयोग में आता है। उसको वेस्ट वेयर गलत बनाने से हमारे खेतों में 5 फीट पानी भरा हुआ है। उसके बाद 3 महीने से हम आवेदन दे रहे हैं कलेक्टर SDM को और उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी एक फसल नष्ट हो चुकी है, गर्मी का कपाल लगा था, आज ही 5 फीट पानी भरा हुआ है और न तो गेहूँ बोने के आसार हैं, आगामी फसल बोने के भी नहीं आसार हैं और जो कपास की फसल थी वो भी नष्ट हो चुकी है। सर एक कांग्रेस सरकार पहले बोलती थी कि किसानों को आत्महत्या करने से रोको, लेकिन इनके नुमाइंदे इनके कुछ नेताओं ने कलेक्टर SDM को फोन लगा दिया और बोला कि इन किसानों को काम मत करना, ये मरते हैं तो मरने दीजिए। इनके कारण हमने हमारे ऊपर केरोसिन पेट्रोल डाला और आत्महत्या करने पर ये मजबूर कर रही कांग्रेस सरकार। अधिकारी बोले जेल भेजो। क्या नाम है आपका? रामेश्वर कुशवा, ग्राम टिपगांव। कितनी जमीन है? 3 एकड़। पानी में डूबी हुई? अभी भी सर पानी में डूबी हुई। कितने महीने से? ये करीब 3 महीने से सर दौड़ रहे हैं और 3 महीने से जमीन में पानी भरा हुआ है। आपने आवेदन पहले किया था? हाँ जी सर, कम से कम 6 बार या 7 ही बार आवेदन दे रहे हैं। सालों से आवेदन कर रहे हैं, कुछ कार्रवाई नहीं सर कर रहे। आप विधायक से नहीं मिले? विधायक क्षेत्रीय विधायक से मिले, उन्होंने थोड़ा आश्वासन दिया था, उनके बाद उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। आश्वासन के बाद कुछ कोई कार्रवाई नहीं? क्या नाम आपका? किस विभाग के अंतर्गत आते हैं ये सर? सर कोई विभाग जवाबदारी नहीं लेना चाहता इसकी। क्या नाम है आपका? रामेश्वर कुशवा, ग्राम टिपगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।